मेहता का उल्टा चश्मा। शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। म से मुंबई, ई से इंदौर, दमन जाम जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला राउंड खत्म होता है और हमारे फर्स्ट राउंड में कोई भी आउट नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई आउट ही नहीं होगा तो पार्टी कौन देगा? मेरे पास एक आइडिया है। एक मिनट, आप आइडिया सुना उसके पहले बस रोकिए ना। क्या हुआ बेटा? अरे गोलिया, तुम्हें फिर से बस क्यों रोकनी है बाबा? तुम्हारे पास है ना वो बास्केट भर के खाना। अरे भीड़ अंकल, अरे देवा, अरे नासिर भाई, तो कहीं अच्छी होटल लेके रोकना जरा बस। जाओ बेटा जाओ, बेबी है तो यार, जा 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 जाइए जाइए। अति भाई जरा देखो, सब उतर गए। हाँ गए क्यों? मैं क्या कहता हूँ यारों, वो इनको आने में 10-15 मिनट लगेंगे। मौका अच्छा है, पार्टी शार्टी के एक एक घूंट यही मार लेते। क्या बोलो सुधीर, जैसे हम लोग बोतल खोलेंगे ना, पूरे बस पे स्मेल हो जाएगा। बस भी ऐसी है। अरे एसी बस है वो, छोड़ो, पकड़ लिए गए ना अगर हम सोड़ी तो हमारा महिला मंडल जो है हमें यही उतार के बस लेके निकल जाएगा, फिर क्या करेंगे? सही बात है, करेंगे ना वहां जाके पार्टी शार्टी। इतना बेसब्र क्यों हो रहा है तू? सॉरी, बैठ जा सबर नहीं हो रहा ना। सबर कर। चलो नासिर भाई, चलो जाओ दे। बह जाना बेटा, है कि नहीं गोली? अरे बस रुको। गोया अभी गाड़ी नहीं रुकेगी। अरे आपका गोड़िया ही तो नहीं है। बेबी, मम्मा रुको, मम्मा, अरे गोली बॉस के पीछे भाग रहे हैं। अरे ओ गोली भाग भाग, मम्मा गोली गोली में जा, मम्मा ओ गोली, मम्मा बेबी रन, रुको रन बेबी रन। अरे क्या कोमल भाभी, उसे क्यों तेज भगा रही हो? हम बस रोक सकते हैं ना। अरे हां नरगिस भाई, बस रोके प्लीज। अरे नरगिस नहीं, नासिर है। नासिर भाई बस रोको। आ मानुष आ आओ आओ, इधर रह गए थे तुम। बेबी कहाँ रह गए थे तुम? मम्मा मैं फोन पे बात कर रहा था और तब तक बस चली गई। बेटा ध्यान रखना चाहिए ना, कितने डर गए थे। चल बैठो, जाओ बैठो 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 बैठ भाई बैठ बैठ और अब बैठ जा भाई, और अब बस चलवाओ वरना पोपटलाल आधे रास्ते तक आ जाएगा। अरे नासिर, नहीं नहीं बस आ, अनि मत बोल। हाँ नासिर भाई चलो चलो। हाँ बोलो पोपटलाल, कहाँ पहुंचे बेटे? हम लोग सूरत पहुंचे। सूरत? अरे तो बहुत आगे निकल गए तुम लोग। अरे वो क्या हुआ, हाथी भाई को ना वो सूरत की फेमस डिश है ना वो लोचो, वो खानी थी इसलिए वहां पे चले गए। लोचा खाने के चक्कर में बहुत बड़ा लोचा कर दिया। यहाँ कब पहुंचोगे? आते आते रात हो जाएगी। फोन इधर दे। ओए पप्पू, तू टेंशन ना ले। अरे तू बार बार फोन कर रहा है ना, इसलिए पिल्लू तेरे साथ मजाक कर रहा है। अरे वाह सोड़ी, एक काम कर, तू ही बस चला तो और जल्दी आ जाओगे। ओ हाँ यार, ये वधिया आइडिया है। अरे मैं बस चलाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तू फोन रख, मैं एक्सीलेटर पे पैर रखता हूँ। पिडू फोन रख। ए भाई, ए भाई, ए बैठो 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 सही बैठो, कोई जरूरत नहीं बस चलाने की, वो है ना काफी है। बैठो बैठो। अरे सीटे आराम से संभल के संभल के। थोड़ा बगा, हम लोग मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो जैसे ही मीटिंग खत्म हो हमको फटाफट यहाँ वापस आना है। क्यों? यहाँ दूसरी मीटिंग करने है? नहीं बापू जी, टप्पू और सब गोकुलधाम वासी आ रहे हैं ना, तो उसमें बाधा को क्यों बोल रहे हैं कि जल्दी आना है? अरे बापू जी आज के लिए शेफली गेला हो गया है ना,
तो नई जगह देख के वो तो शुरू हो जाएगा, सर जी ये जगह अच्छी एक सप्ली लेते, सर जी ये जगह अच्छी एक सप्ली लेते। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई वहाँ तू अपनी सप्ली की दुकान बिल्कुल खोलना मत, टोटल बंद रखना, समझा के नहीं? हाँ सर जी, यहाँ पे एक सेल्फी लेते हैं ना। अरे अभी तुझे बोला कि अपने सप्ली की दुकान बंद रखना, मैं जो बोलता हूँ तो सुनता है कि नहीं? कि हरी हरी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकल देता है। सेल्फी की दुकान बंद रखना, ये सब आपने कब बोला? अरे अभी चलते चलते तेरे साथ बात कर रहा था तभी। सॉरी सेठ जी, आप जब चलते चलते बात कर रहे होंगे तब मैं पीछे सेल्फी ले रहा था। बापूजी कुरो चाहे जो हणे इनके। भागा बेटा, देख हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं ना, तो साथ में चल बेटा। तू ऐसे जगह जगह सेल्फी लेने खड़ा रह जाएगा तो मीटिंग में कब पहुंचेंगे? सॉरी बापूजी, सॉरी सेठ जी। सेठ जी आपने चलते चलते अभी क्या बोला, मुझे एक बार फिर से बताइए ना प्लीज। कुछ नहीं भाई, इतना ही कि हम जहाँ मीटिंग करने जा रहे हैं और नई जगह है तो नई जगह देख के जगह जगह सप्ली लेने खड़े मत हो जाना, हमको मीटिंग खत्म करके फटाफट यहाँ वापस पहुँचना है। जी सेठ जी, ठीक है जी, चलिए चलो भाई। सुनो तो दोस्तों, आइडिया ये है कि जिस तरह से हमने अभी शहरों के नाम की अंताक्षरी खेली, क्यों ना हम हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारकों के नाम की अंताक्षरी खेलें? अरे वाह, अरे वाह वाह, मैं ज़्यादा क्या आइडिया दिया है आपने, इससे बच्चों का नॉलेज भी बढ़ेगा और मजा भी बहुत आएगा। सही बात है। तो ये राउंड स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, शुरुआत गोगी से ही करेंगे और फिर मैं जिसका नाम लूंगी उसका टर्न। ओके ओके, अंकल गॉट इट। तो बैठे बैठे क्या करें, करना है एक और काम। शुरू करें अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। गोगी माँ। लेकिन एक मिनट बिड़े अंकल, आपको आपकी शर्त तो याद है ना, हार गए तो पार्टी देनी पड़ेगी। अरे हाँ बाबा, कितनी बार तेज तेज याद है मुझे। चल गोगी तेरा टर्न। माँ से, माँ मौसे से फ्रीडम फाइटर। जल्दी गोगी। गोगी तुमने इतिहास में पढ़ा नहीं स्कूल में? याद करो याद करो, याद आ जाएगा। आ जाएगा बेटा। अरे गोगी बहुत टाइम ले रहा है तू, दोनों काउंटिंग चालू कर। चलो टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। यार मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी थोड़ा सोचने का टाइम दो ना। ए गोगे, अरे जल्दी से आंसर दो, नहीं तो ये गेम स्टार्ट होने के पहले ही खत्म हो जाएगा। टिक टिक फोर, मंगल पांडे। मंगल पांडे वो थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। शाबाश टपू, शाबाश। थैंक यू अंकल। बाबा अब आपका टर्न और आपको बोलना है ड से। दादा भाई नवरोजी। ए अंकल रॉन्ग है, रॉन्ग है। मैं कोई रॉन्ग नहीं हूँ गोया, मुझे मालूम है ड का द हो सकता है। मेहता अंकल अब आपकी बारी और आपको बोलना है ड से। दादा भाई नौरोजी का जज से जवाहरलाल नेहरू। हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। ओ गोकुल धाम वासियों, वो शांति से बैठ जाओ क्योंकि हमारे पीड़ू की हिस्ट्री की क्लास शुरू होने वाली है। अरे नहीं भाई, नहीं मैं कोई क्लास नहीं लेने वाला, चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इतिहास से वर्तमान में आते हैं ना, इतिहास से वर्तमान में भी एक नाम मुझे पता है जो ज से शुरू होता है, वो आज के जमाने का अलग किस्म का फाइटर है। कौन? जेठालाल। जेठालाल कैसे फाइटर हुआ? सबसे ज्यादा तुम ही से लड़ता है यार भिड़े। वो बराबर है, बराबर है। अभी हाथी अंकल की बारी और हाथी अंकल आपको बोलना है र से। रो कम ऑन हंस। बाबा वो हाथी ब्रा, वो आपकी गड्डी र पे क्यों अटक गई? अगे भी तो बोलिए। थोड़ी सोच रहा हूँ, डिस्टर्ब मत कर। टिक टिक वन, टिक टिक टू। एक मिनट एक मिनट, याद आ गया, र से राजगुरु। याद आया बाबा, याद आया। राजगुरु एक बहादुर और निडर क्रांतिकारी थे। पता है बच्चों, राजगुरु जी बहुत ही कम उम्र में अपने देश के लिए शहीद हो गए थे।
ऐसे वीरों को शत शत नमन। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब्दुल भाई अब आपकी बारी और आपको भी बोलना है रॉ से। बोल। राया फिर से राया रपे से क्या बोलू रपे से क्या है। जल्दी अब्दुल भाई। अब्दुल जल्दी सोचो। टिक टिक वन टिक टिक टू। वेट 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 मुझे याद आ गया र से रानी लक्ष्मी बाई। रानी लक्ष्मी बाई सच में एक बहादुर वीरांगना थी। अंग्रेजों के खिलाफ क्या लड़ाई की थी उन्होंने। हाँ बाबा हम स्कूल में भी गाते थे। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कोमल आंटी अब आपका टर्न और आपको बोलना है ई से। ई से हाँ ई से ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बिल्कुल। ये बंगाल के बहुत बड़े समाज सुधारक थे और विधवा विवाह हेतु उन्होंने समाज में जागृति लाने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चल गोली अब तेरा टर्न और तुझे बोलना है र से। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। वाह 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 गोली एकदम क्विक है। या और उनके बारे में कौन नहीं जानता। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वही थे। अंकल अब आपकी बारी और आपको भी बोलना है र से। ओ यार बार बार र ही आ रहा है। ठीक है सोचता हूँ। कम ऑन पापा। कम ऑन। टिक टिक वन टिक टिक टू टिक टिक थ्री टिक टिक फोर। एक मिनट राज बिहारी बोस। बिल्कुल सही सोडी अंकल। आप अंजलि आंटी आपकी बारी। अच्छा और आपको बोलना है सौ से। सौ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अरे वाह जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी भाई। और उनका दिया हुआ नारा आज भी याद आता है तो जोश आ जाता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। टप्पू अब तेरी बारी और तुझे भी बोलना है सौ से। सौ से सुखदेव। टप्पू सुखदेव राजगुरु और शहीद आजम भगत सिंह एक साथ फांसी का फंदा चूमा था इन लोगों। और ऐसे क्रांतिकारी वीरों की वजह से हमें हमारे देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। आई अब तुम्हारी बारी और तुम्हें बोलना है बोस से। बोस से क्या बोलूं। मुझे क्या पूछ रहे हो। मैं नहीं बताने वाला। पूछ कहां रही हूँ मैं सोच रही हूँ बॉस से क्या बोलू। आई थोड़ा जल्दी सोचो। कम ऑन विनोबा भावे। भाई मस्त। नेक्स्ट अय्यर अंकल आप बोलिए बॉस से। माधवी भाभी ने तो बोल दिया। अभी वैसे मैं क्या बोलेगा वो तुम जानो। अरे अय्यर अंकल डोंट लूज होप वो से इजी है। ट्राई ट्राई अय्यर अंकल कम ऑन जल्दी जल्दी अय्यर अंकल बहुत इजी है। हाँ सोच रहा हूँ। हाँ कम ऑन अय्यर भाई। टिक टिक वन टिक टिक टू टिक टिक थ्री। याद आ गया याद आ गया। वैसे वीर सावरकर। क्या बात क्या बात। उसका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। क्या कविता थी। नेमज सीने परत मातृभूमि ला सागरा प्राण तळमळला तळमळला सागरा। वाह 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 क्या बात। विनायक दामोदर सावरकर वीर सावरकर क्या लोग थे वो। अंडमान की सेलुलर जेल में सजाए काला पानी लेकिन वो व्यक्ति वो सेनानी डिगा नहीं अपने विश्वास से और प्रथम चीज रही उनके लिए हमेशा राष्ट्र। ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए देश के लिए। ऐसे सभी वीरों को हम शत शत नमन करते हैं। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। चल सुनो अब तेरी बारी।
और तुझे बोलना है र से। अरे सोनू, र से तो सबने बोल दिया है, अब तू क्या बोलेगी? आउट हो जाएगी रे। कोकी सोचने तो दे, ऐसे डीमोटिवेट मत कर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड। आप बच्चों, ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलो अभी किसकी बारी है? बीड़ा अंकल, एज यूजुअल मेरा ही लास्ट है। हाँ बोलो बोलो। Come on, पिंकू, जल्दी। दो, दो, दो। चल 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 पिंकू, जल्दी से सोच, अगर जवाब नहीं दे पाया ना तो तू आउट हो जाएगा, पार्टी देनी पड़ेगी। अरे गुली एक मिनट रुकना है। सोचने दे, सोचने दे। जल्दी। अरे बड़ा लौकर। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। एक मिनट, याद आ गया, याद आ गया। दयानंद सरस्वती। शाबाश पिंकू। और बच्चों, श्री दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी और सदैव समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बिल्कुल, सत्यार्थ प्रकाश इस किताब के वो रचयिता थे। बिल्कुल, और आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरणा भी दी थी। अब किसकी बारी है भाई? मैं तो अंकल, ये राउंड भी खत्म हो गया। अरे ओ, हाँ, और इस राउंड में भी कोई आउट नहीं हुआ। तो फिर पार्टी नहीं मिलेगी। मैं क्या कहती हूँ, इस राउंड को कंटिन्यू करते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस राउंड में जरूर कोई ना कोई आउट होगा। हम थर्ड राउंड खेलते हैं, बट थर्ड राउंड के रूल्स में थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस राउंड में जो भी नाम बोलेगा वही डिसाइड करेगा कि अगला चांस किसका है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे पिंकू से। क्या मैं अक्षर को खो दे सकता हूँ? अब मैं अक्षर किसी और को पसंद कर दूंगा और जब उसका टर्न आएगा तो वो मैं ले लूंगा, चलेगा ना? ए, पिंकू, खोखो खेल रहे क्या? अरे हाँ पिंकू, ये सब गेम में अलाउड नहीं है। फ्रेंड्स चलो काउंट शुरू करते हैं। याद आ गया, याद आ गया, मैंने उनके बारे में पढ़ा है और उनका नाम है तात्या तोपे। मेहता अंकल, अब आपकी बारी। पर्से पिंगली वेंकैया जी। मेहता अंकल, इनका नाम मैंने कभी सुना नहीं है, कौन है ये? बेटा ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, आंध्र प्रदेश से थे, महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे। वाह, इन्होंने जो डिजाइन बनाई थी उसी पे हमारा तिरंगा आधारित है। बेटे अब तुम बोलो यस। हाँ ओके। सूर कसला लावता है? सूर नहीं लावत। यह उसे याद आ रहा है कुछ? हाँ हाँ, वही वही सोच रहा हूँ मेहता साहब। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर। श्रीलंका लास्ट चांस है, कुछ याद आया? हाँ, अरे कैसे याद आएगा, तुम बोल के डिस्टर्ब जो कर रहे हो मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमने बताया था, जो भी आउट होगा उसी पॉइंट पे गेम खत्म हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा गेम खत्म होता है। नसीर भाई कहाँ तक पहुंचे? और पिडू, मनोहर चौकड़ी पहुंचने वाले। मनोहर चौकड़ी? बिड़ा अंकल यहाँ पे बस रुकिए। क्यों? यहाँ पे गाय भैंस का दूध, पनीर, मिठाई, लस्सी, सब कुछ बहुत मस्त मिलता है, प्लीज रोक के पीते है ना। ये गोलिया, ये पोटे का अन्न कोटे। अरे यहाँ पे पोपटल के फोन पे फोन आ रहे हैं मुझे भाई, अभी कहीं नहीं रुकना है। अभी ये सोचो कि आगे क्या करे। मैं क्या कहता हूँ, हम इसी खेल को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? मतलब भाई, ये जो आखिरी अक्षर से बोलने वाली जो परंपरा है या जो नियम है, इसे समाप्त कर देते। जो भी व्यक्ति, उसे जो भी नाम याद आए वो बोले, ठीक है ना? मेहता अंकल नाइस आइडिया। और नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, और जो पहले बोले गए वो नाम नहीं आने चाहिए, ठीक है? बस ओके ओके डन। ओके ओके ओके, तो सबसे पहले मैं ही शुरू कर देता हूँ। तुम यहाँ पे अटके थे ना? हाँ। यूसुफ मेहर अली साहब। अरे
ठीक है चलो अभी मैं बोलूं। हाँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। वाह। बाल गंगाधर तिलक। या शहीद भगत सिंह। हाँ। सरोजनी नायडू जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल। गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ। लाला लजपत राय। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब। खुदीराम बोस। मौलाना अबुल कलाम आजाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन। लाल बहादुर शास्त्री। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। चंद्रशेखर आजाद। पंडित मदन मोहन मालवीय। चित्रंजन दास। भाई वाह क्या बात, हमने इस खेल में हमारे कितने स्वतंत्रता सेनानियों का, क्रांतिकारियों का, समाज सुधारकों का नाम लिया और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और हमारे देश के इन महान विभूतियों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सच में ये गेम्स खेलकर बहुत मजा आया। सही बात है। मित्र पिकनिक है तो सफर है, सफर है तो हंगामा है, हंगामा है तो हंसी खुशी है, हंसी खुशी है तो गोकुल धाम है और आज गोकुल धाम निवासियों की तो बात ही क्या है। आज हम लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी को याद किया, उनका स्मरण सदैव होना चाहिए, उनकी कुर्बानियों की वजह से हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं और गोकुल धाम निवासियों ने यही किया क्योंकि गोकुल धाम एक मिनी हिंदुस्तान है, देशभक्त गोकुल धाम। और इस सफर में क्या क्या हो रहा है, मजा आ रहा है, अलग अलग तरह के नाश्ते किए जा रहे हैं, क्या बात है, खेल खेले जा रहे हैं, क्या बात है, मजा उठाया जा रहा है, क्या बात है, मजे के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी हो रहा है, क्या बात है। और अब वहां पहुंचने के बाद क्या होगा, कोई हंगामा तो नहीं होगा लेकिन इतना जरूर है जो कुछ भी होगा आप देख के कहेंगे क्या बात है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।